गुरुवार को लॉकडाउन के दौरान सुबह 8 बजे से 11 बजे तक दुकानों को खोलने और ग्राहकों को खरीदारी करने की छूट दी गई है। इस दौरान बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी, वहीं पुलिस निरंतर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगी है। इसके साथ ही समयावधि से पहले ही दुकानदार व जनता के लोगों को निर्देशित कर घर जाने को कहा गया। इस दौरान एसपी ने ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों की चेकिंग की। इसके साथ ही उन्होंने दुकानदार और जनता के लोग साथ ही पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए। बाजारों में उमड़ी भीड़ के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन पूरी तरीके से होते हुए देखा गया। गुरुवार को जिला प्रशासन के निर्देशानुसार कुछ चिन्हित दुकानों को खोलने के लिए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक की छूट दी गई। इसे देखते हुए जरूरतमंद लोग बड़ी संख्या में बाजारों की ओर निकल पड़े। छूट के दौरान बाजारों में भीड़ का नजारा देखने को मिला। इसमें महामारी नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यापक तौर पर देखा गया। समयावधि से कुछ समय पूर्व ही पुलिस प्रशासन द्वारा जहां एक और दुकानदार को दुकानें बंद करने के लिए निर्देशित किया गया, वहीं दूसरी ओर आए हुए जरूरतमंद लोगों को सामान क्रय करने के बाद घर जाने के लिए कहा गया। दुकानें बंद कराने के लिए पुलिस प्रशासन को हल्का फुल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम द्वारा जनपद में भ्रमण कर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगे पुलिस बल की ड्यूटी पर चेक किया गया। कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बाजार में जो भी दुकानें खुली थी उनको बंद कराया। अनावश्यक रूप से या बिना मास्क घूम रहे लोगों का चालान काटा गया। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने के लिए एसपी द्वारा अपील की गई। 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। इसमें आज चेकिंग की गई और सभी थानाध्यक्षों द्वारा, सभी चौकी इंचार्ज द्वारा भी चेकिंग की जा रही है। ऐसे लोग जो अनावश्यक रूप से घरों के अपने बाहर घूम रहे हैं उनको सख्त हिदायत दी जा रही है। इसके साथ उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। जो लोग ऐसे हैं जिनको मेडिकल इमरजेंसी है उनको छूट प्रदान की गई है। हमारा जो जनता है उससे यही अपील है कि आपकी जान आपके हाथों में है और इसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यदि आवश्यकता ना हो तो किसी भी हालत में अपने घरों से बाहर ना निकलें और जो कोविड नियमों का पालन है उसको करें।